लुयुन जी घड़ी को चेक कर रहा था, फिर वो किसी को कॉल करके बताता है ये बंद हो गया अब है। फ्री होने से आकर देख लीजिए बोलता है, पर वो बिजनेस ट्रिप में है बोलते हैं। हेजिन घड़ी कैसे बंद हो गई पूछती है, तो वो बोलता है कल मैं ऑफिस में था सडनली बंद हो गया और मॉर्निंग 9 बज रहे थे, कल से एक दिन पहले रात 9 बजे। हेजिन उसे बोलती है ये कुछ साइन तो नहीं हो सकती है, और कल रात 9 बजे क्या हुआ था, वो उसे हंसकर देख रहा था। हेजिन सोचती है, फिर उसे याद आती है लुयुन जी जो बोला था, इसीलिए मैं अपने रूम में जाकर लिखूंगी बोलती है और जा रही थी। लुयुन जी उसे रोकता है और तुम लिखकर खत्म कर ली पूछता है, तो वो नहीं बोलती है। तुम मुझे पागल कर रहे हो बोलती है, इसीलिए लुयुन जी उसकी केयर कर रहा था। हेजिन बुक स्टोर जा रही हो कुछ काम है बोलती है, तो वो ठीक है लेट मत करना बोलता है। हेजिन चली जाती है। नेक्स्ट दिन थिन थिन हांसी और हेजिन में हेजिन लुयुन जी के बारे में बता रही थी, वो बहुत केयर कर रहा है और वो अलग ही आदमी बन गया। मुझे नहीं पता अब मैं क्या करूं, थिन थिन और हांसी उसे समझाते हैं। वो उनके बात से बहुत खुश हो रही थी। नेक्स्ट दिन हेजिन के पापा लुयुन जी के घर घड़ी चेक करने के लिए आए थे और घर का सामान देखकर बहुत खुश थे। लुयुन जी उन्हें घड़ी देखने के लिए बोलता है। उसके पापा बॉक्स देखकर ये देखा हूँ जैसे लग रहा है बोलते हैं, और वो काम कर रहे थे तभी लड़कियों के चीजें देखकर उसे दे देते हैं। और ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड की है बोलते हैं, ये मेरी बेटी के जैसे ही है। और घड़ी चेक कर रहे थे तभी वहाँ हेजिन रूम से बाहर निकलती है और जा रही थी। लुयुन जी उसे तुम फिर से बुक स्टोर जा रही हो पूछता है, तो वो हाँ बोलती है। उसके पापा आवाज सुनकर हेजिन के जैसे आवाज है सोच रहे थे और वो शायद गलत सुने हैं बोलते हैं। नेक्स्ट दिन हेजिन बुक ले रही थी तभी वो लीन से टकरा जाती है और उसकी सब बुक नीचे गिर जाती है। लीन बुक देखती है और ये तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है बोलती है। वो उससे बुक चॉइस करके देती है और मेरे लिए भी तुम चॉइस कर दो बोलती है, तो वो भागकर जाती है और अपनी नेटवर्क बुक लाकर देती है। लिन पढ़ रही थी, हेजिन पसंद आई कि नहीं सोच रही थी, वो अच्छी है बोलती है। हेजिन ये मेरी फ्रेंड लिखी है बोलती है और दोनों वीचैट आईडी एक्सचेंज करते हैं। लिन चली जाती है तभी लुयुन जी हेजिन को कॉल करता है और वो आ रहा है बोलता है। लिन स्टोर से निकल रही थी पर वो लुयुन जी को देख नहीं पाती है। लुयुन जी घड़ी के अंदर जो फोटो था उसे दिखाता है पर कोई भी समझ नहीं पाते हैं। हेजिन के पापा उसे कॉल करते हैं और डिनर के लिए बुलाते हैं, तो लुयुन जी मैं भी जाऊंगा बोलता है। हेजिन बोलती है मैं घर जा रही हूँ और पापा के साथ में डिनर करूँ। लुयुन जी क्या मैं अपने एम्प्लॉय के घर डिनर नहीं कर सकता पूछता है। हेजिन उसे बोलती है कंपनी में ये कैसा रूल है, वो हाँ रूल है बोलता है। हेजिन मान जाती है और पापा से मत बोलना कि मैं तुम्हारे घर पर रहती हूँ। वो अपने पापा को कॉल करती है और हमारे चीफ एडिटर भी डिनर करने के लिए आएंगे बोलती है। उसके पापा बहुत खुश थे और वो अपने भाई को कॉल करते हैं, उनके पास जाते हैं और वो सूट पहनते हैं। उनके भाई ये सूट क्यों पहन रहे हो पूछते हैं, तो उसके पापा मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड आ रहा है, वो चीफ एडिटर है और वो अपनी बेटी के सामने शर्मिंदा होना नहीं चाहते हैं। लुयुन जी भी हेजिन के घर जाने के लिए शॉपिंग करने के लिए आया था। नेक्स्ट दिन थिन थिन हांसी को हॉस्पिटल लेकर आई थी, वो वहाँ पर बहुत चिल्ला रहा था और वो नाटक कर रहा था। नेक्स्ट दिन हेजिन और लुयुन जी घर जाते हैं। लुयुन जी जब उनसे मिलता है तो दोनों एक दूसरे को देखकर पहचान लेते हैं। उसके पापा उस दिन के बारे में सोचते हैं और ये अच्छा लड़का नहीं है बोलते हैं, ये टू टाइमर है बोलकर उस पर चिल्लाने लगते हैं और उसे अंदर ले जाते हैं। फिर दोनों उनको हम साथ में रहते हैं बोलते हैं। उसके पापा तुम दोनों कैसे साथ में रह सकते हो बोलकर चिल्ला रहे थे। हेजिन उनको समझाती है और दोनों रेंट में रह रहे हैं। अब जो घड़ी दिए थे उसके वजह से बॉडी क्लॉक बदल गई, हम कैसे नॉर्मल हो जाए इसीलिए साथ में रह रहे हैं और बस काम के लिए साथ में हैं। लुयुन जी बोलता है हम रिलेशनशिप में नहीं हैं। उसके पापा उसे गुस्से से देख रहे थे और अपने फैमिली के बारे में बताओ बोलते हैं। लुयुन जी अपने बारे में और अपने फैमिली के बारे में बताता है। उसके पापा बोलते हैं तुम मेरी बेटी को जानना चाहते हो तो तुम पहले मुझसे जानने की कोशिश करो क्योंकि मैं इसका पापा हूँ, और उसे ड्रिंक करने के लिए देते हैं। दोनों ड्रिंक करते हैं, लुयुन जी बहुत ड्रिंक कर लेता है। उसके पापा सोने जा रहे हैं बोलकर चले जाते हैं। हेजिन लुयुन जी को अपने रूम लेकर जाती है और उसे सुलाकर जा रही थी, वो उसे पकड़ लेता है और अपने पास सुला लेता है। उसे जाने के लिए नहीं दे रहा था और वो उसके साथ में खेलने लगता है। हेजिन जाने की कोशिश करती है पर वो उसे जाने के लिए नहीं दे रहा था और उसे ही पकड़ कर सोया था। हेजिन उसे बहुत परेशान हो रही थी। अगले दिन दोनों साथ में सोए थे। हेजिन के पापा हेजिन को उठाते हैं और तुम्हारे
पे चीफ एडिटर कल कैसे गए पूछते हैं। वो लुयुनजी को देखती है, वो उसके साथ ही सोया था और टैक्सी में वो बैठा दी, वो चला गया बोलती है। हेजिन उसे ही देख रही थी और बहुत खुश हो रही थी। लुयुनजी उठता है और उसे गुड मॉर्निंग बोलता है, पर हेजिन उसे 12 बज गए हैं बोलती है और उसे घर से जाने के लिए बोल रही थी, पर वो फिर से सो रहा था। वो वहाँ पर रखा हुआ पेंटिंग को देखकर सेट था, फिर उसे बिजनेस ट्रिप जाना है बोलकर चला जाता है। नेक्सिन थिन काम कर रही थी, हंसी उसके साथ में था और वो उसके लिए पानी लाने के लिए जाता है। हंसी नाटक कर रहा था, उसका हाथ ठीक नहीं हुआ है, पर थिन जान जाती है और तुम ठीक हो गए पूछती है। उसका नाटक पकड़ा गया था और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।